फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह वॉक करके आ चुके हैं और आज की सुबह हो चुकी। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी हो चुकी है सुबह और मैं अभी आ चुका हूँ स्कूल से और अभी मैं चला रहा हूँ जल। और उधर हमारी बेबी बंटी ये यहाँ पूजा कर रहे हैं, ये यहाँ क्या कर रही है? बेटो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इधर आना, इधर आना, इधर आना। तो और यह बन रहा है खाना, आलू के परोठे। और ये मेरी प्लेट, इसमें रखते हैं सॉस और खाते हैं खाना। गेरा मेरा खाना आलू का पराठा। ये एक और बेला का है, अभी वो है नहीं मेरे आसपास, ऊपर है शौर्य के साथ। और इसमें है शिकंजी, माय सिपर माय शिकंजी। गेरा मेरा खाना आलू का पराठा। ये एक और बेला का है, अभी वो है नहीं मेरे आसपास, ऊपर है शौर्य के साथ। और इसमें है शिकंजी, माय सिपर माय शिकंजी। शौर्य कर रहा है मेहनत बहुत मस्त, क्या मस्त करने दबा रहा है। आपको भी दबाना हो तो अपने घर पे बुला लेना शौर्य को, बहुत अच्छे कंधे दबाता है। स्टाइल मारने की नहीं बोली, कंधे दबाने की बोली, बहुत सही कंधे दबाता है। देखो क्या है, जरूर बुलाए। ये बन गई फ्रेंड्स हमारी गर्मा गर्म चाय। ये मुझे मलाई निकाल के बाहर रखने की आदत है, पता नहीं क्यों आदत ही पड़ी है शुरू से। अच्छी नहीं लगती मलाई वाली चाय। और जब तक पियो, पहले तो जल्दी जल्दी पी लेते थे, अब जब तक पियो, जब तक कुछ ना कुछ, कभी शोर आवाज़ लगा देता है, कभी किचल आवाज़ लगा देती है, मम्मा ये मम्मा वो, उसमें मलाई हो ही जाती है और फिर वो निकालनी पड़ती है। तो कभी कभी तो उल्टा काम करना पड़ता है ना, तो ये उल्टा काम है कि अगर हो गया जल्दी जल्दी पी ली, कोई नहीं आया तो ठीक है, नहीं पी। और चाय ऐसी चीज़ भी नहीं है ना, जल्दी से पी लो। और दो टाइम तो चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए ना चौथा चाहिए, बस दो बार ही चाहिए और उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ लिक्विड ड्रिंक ही चलता है, चाय नहीं चाहिए। चाय सुबह और शाम को, शाम को 6 बजे, सुबह 7 बजे। तो बारिश अब हो चुकी है, बहुत दिनों बाद बारिश वाली में, वैसे बारिश नहीं होती बहुत ही कम होती है। तो आज हो रहा है वापस सेम वही, क्या कहते हैं उधर, उस उधर क्या नाम क्या है मम्मी, अपन उसके बगल में हिल स्टेशन जैसा। हाँ हिल स्टेशन जैसा। और अभी कोई मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा, हवा चल रही ठंडी ठंडी, क्योंकि हमारे एरिया में हरियाली है ना, इसलिए ऐसा लगने लगता है बारिश, क्योंकि हमारी एरिया में हरियाली है इसलिए ऐसा लग रही है, वरना तो कहीं कहीं तो होता ही नहीं है। और जा रहा है अभी ट्यूशन, मैं तो ट्यूशन जा रहा हूँ, बैग टक गया, आधा घंटा लेट नहीं जा रहा, 15 मिनट लेट नहीं है, लाइट भी नहीं है, देखी जाएगी, सब जगह लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो क्या करें हम, जल्दी जा नहीं सकते ना, क्या करें, जल्दी तो हम जा ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स अभी हम बना रहे हैं बच्चों को स्नैक्स के लिए इडली ढोकला, जो रवा बेसन से बनता है। बहुत सिंपल रेसिपी है और दोनों खा लेते हैं। उसमें क्या है, दोनों इसलिए खा लेते हैं कि सॉरी प्लेन खा लेता है और किंजल को उसको वेजिटेबल्स में मिक्स वेजिटेबल सारी कैप्सिकम अनियन ये सब लेकर उसको उसमें फ्राई कर देते हैं टमाटो वगैरह डाल के, तो वो फ्राइड इडली या ढोकले की तरह उसको खा लेती है। ये रहेगा ढोकला बट होता इडली के शेप में है, क्योंकि खाना उन्हें इडली की शेप में ही, ढोकले के शेप में नहीं खाना है। अगर ढोकले के शेप में बना दिया तो वो नहीं खाया जाएगा। तो चलो बनाते हैं। ये हमने ले लिया इसमें रवा, ये हमने ले लिया इसमें रवा, अब इसमें डाल रहे हैं बेसन और इसके बाद, और अब इसमें डालेंगे हम लोग
पहले सारे मसाले डाल देते हैं जो हमें डालने हैं थोड़े थोड़े। इसमें डालेंगे हल्दी और राई और इसमें थोड़ा सा सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत उतना ही डालना है और लास्ट में डालना है इसमें शक्कर। और ये है शक्कर। अब इसमें डालेंगे कर्ड, सारा सामान इधर ही निकाल के रखा है जिससे इजी इजी डल जाए। ये डल गया कर्ड, बस अब इसे मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये बना लिया हमने पेस्ट, थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड किए और पेस्ट बना लिया। अब इसको डालेंगे मोल्ड में। ये छोटे वाले में डालते हैं इसलिए छोटे छोटे साइज की बनेंगी, अच्छा लगता है लोगों को खाने में, खासकर शौर्य का खेल पूरा हो जाता है। और ये बेला चिल्लाई जा रही है, उसको दिख रहा है कि मैं कुछ बना रही हूँ, इसके लिए गुस्सा हो रही है कि पहले मुझे दे दो। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। और ये बन गए हमारी टेस्टी टेस्टी सी इडली ढोकले। अब इसे बच्चों के आने के टाइम पे फ्राई करेंगे, जो जैसे बोलेगा वैसे उसको फ्राई कर देंगे। जैसे कि शौर्य ऐसे ही खाएगा, नॉर्मल कुछ डालने नहीं देगा, और किंजल को सारे वेजिटेबल डालने होंगे। बट इस बन के अच्छे से हो गए फ्रेंड्स। अभी है शाम का समय और ये देखो हमारे घर का ऊधम पिटा रहा है। किस तरह ऊधम पिटा जिसको फुर्सत नहीं है। टीम पूरे दिन फोन में लगा रहता है। तो चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डिंपल व्यास।